हैप्पी आर्ट्स। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ पोर्ट्रेट ब्लैक पैंथर का। सो गाइस जैसे आपको पता है ब्लैक पैंथर जो करेक्टर जिस हीरो ने करेक्टर रोल प्ले करा था ब्लैक पैंथर का वो डाई हो गया था कुछ ही मंथ्स पहले। सो गाइस आज मैं उनके लिए ट्रिब्यूट में ड्राइंग बनाऊंगा। सो गाइस आई विल बी मेकिंग अ पोर्ट्रेट एंड गाइस पहले हम शीट निकालते हैं बाहर। सो गाइस जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैं आइवरी शीट यूज करता हूँ अपनी हर ड्राइंग के लिए और मैं आज भी स्केच बनाऊंगा। गाइस मैं अभी स्केच की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादातर अभी ड्राइंग्स में स्केच ही बनाऊंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में फिर से हम लौट आए हैं स्केच की वीडियो के साथ। सो गाइस पहले हम निकाल लेते हैं अपने स्केचिंग टूल्स बॉक्स। सो हियर इज आवर स्केचिंग टूल बॉक्स। सो गाइस हियर इज द स्केचिंग टूल बॉक्स। और गाइस इसके अंदर टू कॉलम्स बना रखे हैं मैंने, उसमें अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स रख रखे हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। तो इसमें मेरे पास कैमलिन पेंसिल है स्केचिंग की और वो अप्सरा पेंसिल है गाइस और चारकोल्स भी है मेरे पास कुछ। और गाइस मैंने अभी वन डे अगो एक वीडियो अपलोड करी थी पोर्ट्रेट बनाया था मैंने एक गर्ल का। आपको अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो पे एक लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप मेरे चैनल को मुझे पता है। तो गाइस चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग। एंड गाइस पहले मैं आउटलाइन बनाता हूँ जैसा आपको मैंने बताया और आउटलाइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ बीट पेंसिल एंड अप्सरा मैट मैजिक इरेजर फ्रॉम नीट एंड डस्ट फ्री इरेजिंग। गाइस ये इरेजर मुझे अच्छी लगी बहुत, इससे बिल्कुल भी डस्ट नहीं होता है और ये इरेज भी बहुत अच्छा करती है और ये पेंसिल लाइट चलती है तो आउटलाइन के लिए ये पेंसिल मुझे बेस्ट लगती है गाइस। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपनी आउटलाइन। सो लेट्स स्टार्ट द आउटलाइन ऑफ ब्लैक पैंथर। सो लेट्स स्टार्ट। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है और गाइस आउटलाइन तो लग रही है बहुत ज़्यादा अच्छी। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसे आएंगे। तो गाइस और आपने गाइस इस वीडियो में कुछ अलग नोटिस किया? मेरे लिए तो गाइस ये पूरी वीडियो ही अलग है क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं हिंदी बोल रहा हूँ जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है। इस वीडियो में मैं बस वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बोल मैं हिंदी रहा हूँ। तो गाइस आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बोलूं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं आउटलाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है चैडविक बोसमैन की। सो ये है फाइनल रिजल्ट, अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे स्केचिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट स्केचिंग। सो लेट्स स्टार्ट।
चैडविक बोसमैन बनाने की, लेकिन ये बन कुछ और ही गया गाइज। लेकिन जो भी बना अच्छा लग रहा है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी मत भूलना गाइज, क्योंकि शेयर से हमारी वीडियो के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं गाइज। और गाइज, हमारी 72 सब्सक्राइबर की 71-72 सब्सक्राइबर की फैमिली हो गई है। जल्दी जल्दी हमारी 100 सब्सक्राइबर की फैमिली हो जाए तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा गाइज। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज डोंट वॉच माई वीडियो लाइक अ थीफ, एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी अ थीफ सो प्लीज डू लाइक द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बाय बाय। Like a Hellcat.